मेरा नाम विजय यलदांडी है। मैं स्पेशलिस्ट हूँ इन्फेक्शस डिजीजेस और पब्लिक हेल्थ का। ये COVID-19 के लिए जो अभी बहुत भयंकर तरह से फैल रहा है, आपको कुछ तीन बहुत सरल चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले आप सब याद रखें कि ये कोविड जो है हवा से भी फैल सकता है। जब कोई भी खांसता है तो हवा में बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स आ जाते हैं। ये वायरस पार्टिकल्स 3-4 फीट के अंदर नीचे गिर जाते हैं, तो आप किसी से दूर रहेंगे, कम से कम 3 फीट दूर रहेंगे, तो वो हवा से आपको ये वायरस आने के बहुत कम चांसेस हैं। और आजकल मास्क मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है, तो इसलिए आप मुंह पे और नाक पे एक कपड़ा बांध लें। दूसरा, ये वायरस हाथों पे फैलता है, तो हाथ धोना बहुत महत्वपूर्ण है। आप हाथ धोना चाहिए और दूसरे भी हाथ धोना चाहिए। तीसरा, ये वायरस अपने वातावरण में गिरने से काफ़ी खतरा है, क्योंकि ये वायरस वातावरण में जब गिरता है, कोई जब भी कोई खांसता है तो वायरस गिरता है, वो वायरस करीब करीब 3-4 दिन तक रहता है वहाँ। इसलिए सबको साफ़ करना चाहिए। किससे साफ़ करना चाहिए? हाउस होल्ड ब्लीच या साबुन पानी, या ज़रूरत पड़े तो 70% अल्कोहल से साफ़ करना चाहिए। इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो सिर्फ तीन चीज़: हवा को साफ़ रखें, हाथ साफ़ रखें, और आपने अपने आप का वातावरण साफ़ रखें। इससे पहले भी 1918 में स्पैनिश फ्लू के एपिडेमिक में, जबकि वैक्सीन नहीं था और दवाई नहीं थी, यही सरल तरीकों से पूरे एपिडेमिक को कम किया गया था। 1950s में भी पोलियो के एपिडेमिक में कोई दवाई नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं थी, तब भी यही काम किया। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जिनको इन्फेक्शन हो सकता है उनसे दूर रहें, जिनके पास आप जा रहे हैं उनसे हाथ नहीं मिलाएं, खाली नमस्कार करें, मुंह पे और नाक पे कपड़ा बांध रखें और अपने वातावरण को साफ रखें। इन तीन सरल चीज़ों से कोविड-19 का फैलना कम हो जाएगा।